नमस्कार सभी को, मैं हूँ सांगे ड्रोमा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के द्वारा बनाया जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि EWS हाउसिंग प्रोजेक्ट में। अरुणाचल टुडे टीम फिर से आप पहुंची है वेस्ट कामेंग बोमडिला में, जहां आप सभी को याद होगा कुछ सालों से हमारा टीम है जो एक फॉलो अप कर रही है प्रोजेक्ट जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। जो नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी स्कीम्स प्रोजेक्ट्स सेंक्शन किया जाता है, कह सकते हैं इनिशिएट किया जाता है ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें फ़ायदा हो, लेकिन सालों लग जाते हैं वो प्रोजेक्ट या कह लीजिए जो स्कीम है उसे ग्राउंड में इम्प्लीमेंट होने के लिए। उन्हीं में से एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है जो 7 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के बोमडिला के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो हाउसिंग प्रोजेक्ट सेंक्शन किया गया था 2014-15 के समय में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन मैं बता दूं तब से लेकर अभी तक कह सकते 2022 पहुंच चुका है लेकिन प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं बता दूं इसका जो टोटल जो अमाउंट था कॉस्टिंग वो था 20 करोड़ अबव एंड देन 384 लोगों के लिए 384 यूनिट्स बन रहे, जैसे आप मेरे पीछे में भी देख सकते हैं यहाँ पे 384 फैमिलीज बैठेंगे। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग इसीलिए भी बात कर रहे हैं क्योंकि ये कंप्लीशन तो नहीं हो रहा है, साथ ही साथ जो हमने लगातार ये रिपोर्ट इसलिए भी फॉलो कर रहे थे क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट ऐसे जगह में बन रहा है जहाँ पे काफ़ी स्ट्रीम्स बहते हैं और यहाँ पे विदाउट प्रोटेक्शन वाल या रिटर्निंग वाल के बिना ही ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। तो इसको लेकर भी हम काफ़ी बार बनाए, हमने रिपोर्ट बनाया तो कंसर्न ऑथोरिटी की तरफ से कहा गया था कि वो देखेंगे कि रिटर्निंग वाल या फिर कह लीजिए प्रोटेक्शन वाल बनाया जाएगा। लेकिन इसमें ये बात मुद्दा ये है कि यहाँ पे ना ही प्रोटेक्शन वाल बनाया गया है ना ही ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि मैं बता दूं कि 2019 से ही हम लगातार रिपोर्ट बना रहे हैं और लास्ट टाइम जब हमने कंसर्न ऑथोरिटी से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मार्च 2021 तक जो सिविल वर्क है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो वाटर कनेक्शन एंड देन जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा पावर कनेक्शन वो जल्दी ही किया जाएगा। लेकिन अप्रैल के महीना जब मार्च महीना कंप्लीट हुआ उसके अप्रैल महीने में हमने सब फिर से रिपोर्ट बनाया तब फिर कुछ एक्सक्यूजेस दिया गया, उसके बाद में हमें एश्योरेंस दिया गया था कि जल्द से जल्द हो जाएगा। मैं बता दूं कि अभी 2022 पहुंच चुका है लेकिन कुछ कंप्लीशन का बात तो छोड़ दीजिए, हमें पानी का कनेक्शन पावर कनेक्शन कुछ भी नहीं किया गया और इसमें जस्ट हम चेंजेस जो हमें देखने को मिला है कि एक यूनिट में बस कलर किया गया है जो आप सब वीडियो में देखोगे। और मैं साथ ही में बता दूं आज बहुत मैंने कहूँगी कि बहुत चौंकाने वाली बात है, लेकिन इस वक्त जब हम यहाँ आए हैं रिपोर्ट बनाने के लिए तो यहाँ पे अभी एक भी वर्कर काम नहीं कर रहा है, ना ही कंसर्न ऑथोरिटी की तरफ से कोई ऑफिशियल्स यहाँ पे हैं ताकि काम देख पाएँ, जबकि सभी जानते हैं कि अक्टूबर से लेकर जनवरी फरवरी तक ही एक अप्रोप्रिएट समय रहता है, कह सकते हैं यहाँ पे बारिश नहीं होता है तो काम ठीक तरीके से अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई वर्कर्स नहीं है, कोई काम नहीं किया जा रहा और सवाल रहेगा कंसर्न ऑथोरिटी से स्टेट गवर्नमेंट से भी, जब इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट बन रहा है जहाँ 300+ फैमिलीज रहने वाले हैं वहाँ पर प्रोटेक्शन का भी ख्याल नहीं रखा गया। काफ़ी बार हमने कहा क्योंकि पहले बार में हमने कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए या फिर कंसर्न ऑथोरिटी के लिए प्रोजेक्ट मायने रखता है फिर या फिर लोगों का लाइफ मायने रखता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई वर्कर्स नहीं है ना ही कोई ऑफिसर्स है, तो हम यहाँ से सीधा जो कंसर्न ऑथोरिटी है उनके पास जाएंगे और डिटेल जानेंगे कि कब तक कंप्लीट होगा, क्यों अभी तक रिटर्निंग वाल या फिर प्रोटेक्शन वाल का जो इनिशिएटिव उनकी तरफ से फायर प्रोसेसिंग किया गया था वो शुरुआत नहीं किया गई, और सीधा सवाल रहेगा कि कितना और समय लगेगा क्योंकि 2014-15 का ये प्रोजेक्ट है, 7 साल हो चुका है, 8 साल अभी होने को है। तो चलिए सीधा जाकर हम जानते हैं।
अभी हमारे साथ यही सर है, उनसे हम बात करेंगे रिगार्डिंग डिले ऑफ जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हाउसिंग प्रोजेक्ट जो न्यू बोमदिला वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है, काफ़ी बार हम आपके ये डिपार्टमेंट के अथॉरिटी से बात कर चुके हैं रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट। एश्योरेंस पे एश्योरेंस दिया जा रहा है, डेट पे डेट दिया जा रहा है, अभी भी हम जाके देखें तो कुछ कम्प्लीट नहीं हुआ है। तो हम जानना चाहेंगे कि कब तक कम्प्लीट होगा और इन अ प्रॉपर वे कब तक कम्प्लीट होगा वो जानना चाहेंगे। मैम ये जब आप पहले नवंबर में आया था तो हमारा द देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर ने बोला था कि बाय मार्च 2021 ना ये सिविल वर्क्स उसका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग विद इन वन मंथ कॉन्ट्रेक्टर को टर्मिनेट करके एज पर डायरेक्शन ऑफ द ई सर हम लोग डिपार्टमेंटली कैरी आउट किया उसको। तो जो 3 crore समथिंग फंड था उससे हम लोग डिपार्टमेंटली कैरी आउट किया सिविल वर्क्स कंप्लीट करने को। तो उसमें भी सर ने शायद आपको बोला था ये जो आपका फुल कम्प्लीशन तो आपका सब्जेक्टेड टू द सेंक्शन ऑफ रिवाइज एस्टिमेट होगा, उसमें आपका वाल का प्रोविजन सेप्टिक टैंक ये सब का आ जाएगा। तो अभी भी ये फाइनेंशियल ईयर में तो मैडम हम मुश्किल लग रहे शायद रिवाइज आरी का सेंक्शन के लिए, सो होपफुली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो अभी कह सकते हैं क्योंकि 2014-15 का ये प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी 7 साल गुजर चुका है, अभी 8वां साल में मतलब लग चुका है। तो अभी फिर आप कह रहे हैं ये साल मुश्किल रहेगा, तो क्या लगता है क्योंकि जो ड्यूरेशन था वो तो काफ़ी पहले था, मतलब कंप्लीशन ईयर या कह लीजिए या फिर डेट था वो उसे एक्सटेंशन करते 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 2021 का ईयर में डाला गया। तो आप लोग की तरफ से मतलब कुछ काइंड ऑफ लाइक बातें या फिर आप लोग की तरफ से रिप्रेजेंटेशन या मतलब रिक्वेस्ट नहीं किया जाता मतलब कंसर्न अथॉरिटी जो हायर अथॉरिटी है, ताकि मतलब ये जो फाइनेंशियल जो आपने बोला कि रिवाइज पेमेंट के लिए भी आप लोग ने कुछ प्रपोजल रखा उसको जल्द से जल्द कर दिया जाए। मैडम ये इसका एक्चुअल डेट ऑफ कम्प्लीशन तो 2017 था आपका, ऑलमोस्ट अभी चार साल फिफ्थ ईयर रनिंग हो रहा है अभी। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन ना आपने जो बोले रिक्वेस्ट नहीं करते, हम तो जब भी ईटानगर पेपर वर्क या फॉर सम मीटिंग ट्रेनिंग के लिए जब भी आते हैं हम फाइल फॉलोअप करने का अपना कैपेसिटी में जितना होता है हम करते हैं। तो इस बार भी हम ये डायरेक्टर प्लानिंग से मिला था, अभी भी फाइल शायद प्लानिंग में है हमको ऐसे पता चले जी। तो पूछने से ऐसे बोला था कि फिलहाल तो ये स्टेट गवर्नमेंट का एक्टिव कंसिडरेशन में है बस उतना ही होता है। ओके तो सर हम ये जान रहे हैं जैसे आपने कहा कि अभी एज ऑफ नाउ जो रिवाइज पेमेंट के लिए जो आप लोग की तरफ से प्रपोजल गए हैं रिप्रेजेंटेशन वो प्लानिंग में है, तो ये कारण है क्या क्योंकि हम लोग ने अभी जब हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी तो वहाँ पे कोई वर्कर्स नहीं था, ये कारण है पेमेंट नहीं होने की वजह से वर्कर्स भी नहीं? हाँ वही है मैम, एक्चुअली जैसे हमने पहले बोला था 3CR का फंड था वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो गया। तो एक्चुअली पहले हम लोग भी ये एंटिसिपेशन में था कि मैडम आरई का सेंक्शन इतना टाइम नहीं लगेगा, होपफुली जल्दी हो जाएगा काम चलने में। तो हम लोग भी काम को कंटिन्यू रखा जा 3 crore ख़त्म होने के बाद भी काम कंटिन्यू करके रखे, तो उसमें हम लोग का लायबिलिटी और भी बढ़ गया। हार्डवेयर स्टोर से हम लोग सामान उठाया ये एंटिसिपेशन में कि विद इन 1 month या 2 month आरी सेंक्शन हो जाएगा। तो लेबर चार्जेस में हम लोग काम भी बहुत करवाया, तो उसमें अभी फिलहाल उसका वजह से लायबिलिटी भी बहुत बढ़ के बैठे मेरे में से। तो कह सकते कि जब तक गवर्नमेंट से या फिर गवर्नमेंट ही कह लीजिए अगर जब तक पैसा नहीं मिलेगा जो रिमेनिंग जो काम है वो नहीं होगा, और जो मैंने सवाल रखा था रिगार्डिंग जो रिटर्निंग वाल कह लीजिए या प्रोडक्शन वो उसका तो कुछ उठा ही नहीं जी, जी, जो हमारा जो आपका जो लेदन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर था उन्होंने तो प्रपोजल रखा था इस तरह का कहना था जी, जी, तो उसका भी मतलब एक ही साथ ही सब चीज़ प्रोसेस हो रहा है वो सब एक ही साथ हो रहे हैं। तो अभी ऐसे तो कुछ मेरा तो यही मानना रहेगा कुछ सवाल पूछने के लिए रहेगा ही नहीं सर को क्योंकि जब डिपार्टमेंट की तरफ से ही गवर्नमेंट को प्रपोजल रखा गया है अभी तक कुछ जो अपडेट नहीं है, सुनने में आया है कि जैसे सर ने कहा है कि गवर्नमेंट का फर्स्ट प्रायोरिटीज में रखा गया है जो प्रोजेक्ट कंसिडरेशन में रखा गया, लेकिन लगता नहीं है क्योंकि 8 साल अभी लागू शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट 7 साल तो पार हो ही चुका है। तो सर हम बस आपसे ये कहना जानना चाहेंगे कि अभी जैसे आपने कहा कि ये फाइनेंशियल ईयर तो मुश्किल है जी। तो हमको ये मान के चलना होगा कि वो जो प्रोजेक्ट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हाउसिंग प्रोजेक्ट जो बोमदिला न्यू बोमदिला वेस्ट कमिंग बन रहा है वो लगभग 2023-24 लग जाएगा अगर इस साल भी नहीं हुआ। हाँ मैम ये एक्चुअली सब्जेक्टेड टू द सेंक्शन ऑफ रिवाइज एस्टिमेट होगा, जैसे ही वो होते हैं विद इन हम लोग 3-4 months कंप्लीट कर देगा ऐसे में okay. क्योंकि आप भी देखा होगा वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में है। हम और ये जाना चाहिए जैसे आप लोग ये फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं तो कुछ जरिया होगा क्योंकि जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियल ईयर में तो होगा नहीं बजट तो पास मतलब ऑलरेडी पूरा चीज़ रेडी हो जाता है जी, तो जी। कुछ मतलब गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कुछ स्पेशल सेंक्शन रहेगा जिससे मतलब ये प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करवाया जा सकता है ताकि मतलब गवर्नमेंट भी जाने और जल्द से जल्द कम्प्लीट हो जाए। वही वही भाई
मैम इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकूँगा अभी, क्योंकि एक्चुअली रेगुलर एक्शन सर भी नहीं है ना। तो वो होने से तो अब जैसे आपने कहा कि फाइल जो आप लोग की तरफ से प्रोसेस किया गया है वो डिपार्टमेंट मोस्ट प्रोबेबली प्लानिंग में है, प्लानिंग में है। तो एज अ कंसर्न आप क्योंकि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट के यूडी डिपार्टमेंट के आप यही है, तो आप कुछ रिक्वेस्ट या अपील या कुछ मैसेज काइंड ऑफ लाइक करना चाहेंगे जल्द से अगर हो पाए तो? आपके थ्रू मैडम ये मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऑलरेडी बहुत सारा फंड उसने गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है वो प्रोजेक्ट के लिए, तो नाउ अभी आप देखने से वो अपना कंप्लीशन स्टेज में है, तो अगर हमारा रिवाइज एस्टिमेट सेंक्शन हो जाने से तो हम लोग उसको कंप्लीट कर लेगा एज सुन एज पॉसिबल, एंड देन जिस चीज़ के लिए वो बनाया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए वो लोग को प्रोवाइड कर देगा रूम जो एलोकेट कर देगा उस हिसाब से। जी थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही मैं कहना चाहूँगा जैसे सर की तरफ से जैसे हमें सवाल रखना था हमने रखा, और सर की तरफ से जैसे कहा गया है कि जो फाइल तो प्रोसेस में है और जब तक गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट उसके तरफ से जो एड फाइनेंशियल एड नहीं दिया जाता है तो वो प्रोजेक्ट भी जैसे का तैसा ही रहेगा, इस तरह का कहना है। लेकिन मैं सवाल रखना चाहूँगी कंसर्न एमएलए को भी जो दोंगरू जी हैं वहाँ के जो बोमदिला कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनकी तरफ से भी कभी इनिशिएटिव लिया गया है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि हमने भी काफ़ी बार उनसे इंटरव्यू लेने की कोशिश की ये प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये अगर बात करें वेस्ट कम इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी। तो हम बस यही आशा करेंगे जैसे अभी सर ने कहा अगर गवर्नमेंट अगर फाइनेंशियल एड सेंक्शन करती है तो विद इन फोर टू फाइव मंथ्स वो कंप्लीट कर देंगे। तो देखना ये होगा कि गवर्नमेंट कितना, कहने को तो कहते हैं कि फर्स्ट जैसे कहा कि एक्टिव कंसिडरेशन में रखा गया है सर के कहना का मतलब, तो देखना ये होगा कि अब तक गवर्नमेंट इसे फंड एलोकेट करती है फिर सेंक्शन करती है ताकि ये जो लॉन्ग पेंडिंग 7 साल अभी 8 साल हो चुका 8 साल चालू हो चुका है वो प्रोजेक्ट कम्प्लीट होती है।